अब ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है, लाइफ टाइम इसका जो प्लेसमेंट है वो हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूं एक और नया वीडियो। गाइस, सीसीपीएल की तरफ से आज हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है बर्गमैन ऑटो ग्रिप ऑटोमेटिक मोबाइल होल्डर। गाइस, यहां पे आपको सीसीपीएल की तरफ से लाइफ टाइम गारंटी मिलेगी वैक्यूम एंड स्प्रिंग की। इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो आज के वीडियो में मैं टेस्टिंग दिखाने वाला हूं। तो गाइस, आज के वीडियो में कुछ ऐसा है जिससे आपको फायदा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू। तो गाइस, सबसे पहले हम करते हैं अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं बर्गमैन ऑटो ग्रिप की सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। यहां पे एक्सल, डबल एक्सल और ऑटो ग्रिप, ये तीन मॉडल आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऑटो ग्रिप की सीरीज है। और बर्गमैन की अगर हम बात करें तो ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। बाकी हम अनबॉक्सिंग में देखते हैं कि एक बॉक्स के अंदर जो ऑटो ग्रिप का बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या हमें मिलेगा। तो कुल मिला के पैकिंग काफ़ी अच्छी है और नो डाउट प्रोडक्ट को पकड़ने से ही एक जो फील आता है प्रीमियम क्वालिटी का वो आ रहा है, क्योंकि हम भी अनबॉक्सिंग करते हैं तो हमें प्रोडक्ट को छूते ही पता चल जाता है कि क्वालिटी क्या है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है ये प्रोडक्ट, साथ ही साथ बहुत सॉलिड है। आप देखेंगे यहाँ पे वैक्यूम की जो सीसीपीएल गारंटी दे रहा है वो आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। लॉक सिस्टम मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा और ये 2-in-1 सिस्टम है। लाइक अगर आप इस स्टैंड को ग्लास पे लगाएंगे तब भी काम करेगा, और ये जो 3M का आपको टेप दिख रहा है इसको जब रिमूव करके आप डैशबोर्ड पे प्लेस करेंगे तब भी पर्टिकुलर आपका ये डैशबोर्ड पे स्टेबल हो जाएगा। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और 2-in-1 प्रोडक्ट है। बाकी अभी हम इसका जो नेक्स्ट बॉक्स है वो भी ओपन करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि क्या क्या हमें मिलेगा। तो अभी ये है एक्सेल अकॉर्डिंग टू फोन साइज, जैसे कि मैं अभी अपनी गाड़ी में भी इसको इंस्टॉल करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू फोन आप इसके मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सेल है और बर्गमैन ऑटो ग्रिप ऑटोमेटिक मोबाइल होल्डर में ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, बिकॉज जो फ़ोन का साइज़ होता है नॉर्मली जो लोगों के फ़ोन का साइज़ होता है वो एक्सेल में आ जाता है, जो थोड़ा लार्ज होता है जैसे मेरा फ़ोन है वो आई थिंक डबल एक्सेल में कवर होगा। बाकी गाइज अगर हम बात करें इसमें 2-in-1 के ऑप्शन की, तो इसमें हर एक मॉडल के साथ आपको 2-in-1 ऑप्शन मिलेगा, मींस किसी भी मॉडल को आप ग्लास पे या फिर डैशबोर्ड पे प्लेस कर सकते हैं। और जो क्वालिटी है, मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी जो मार्केट में लोग मोबाइल होल्डर बनाते हैं वो क्या करते हैं, रिसाइकल करके प्लास्टिक को, पुरानी प्लास्टिक को रिसाइकल करके बना के दे देते हैं, तो उस पर स्क्रैच वगैरह का भी इशू रहता है, लेकिन ये स्क्रैच फ्री और क्वालिटी काफ़ी अच्छी सॉलिड, और गारंटी अगर कंपनी दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी क्या होगी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरीके से आप पूरा तैयार करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप डबल एक्सल की बात करें तो उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है डबल एक्सल का बॉक्स और इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं इसको बाहर और देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से पैकिंग मिलेगी और 3M जो टेप है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा राउंड शेप में, जिससे कि सरफेस जो रहता है डैशबोर्ड का उस पर ये प्रॉपर स्टेबल हो पाए। तो जब भी आप इसको लगाएं तो थोड़ा सा डैशबोर्ड को क्लीन कर लें जिससे कि ये पर्टिकुलर लग जाए। बाकी क्वालिटी नो डाउट अमेजिंग है। अब चलिए आगे देखते हैं और मैं लगाता हूं इसको अपनी कार में। तो गाइस, अभी हमारे पास ये तीन मॉडल हैं और इसमें से मैं एक मॉडल अपनी कार में लगा के आपको दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको इसके वैक्यूम की क्वालिटी पता चले। और इसकी टेस्टिंग हमने टाइल्स पे भी किया, मीन्स इसका जो वैक्यूम है उसकी क्वालिटी मैन है, और जो स्प्रिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉलिड क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम इसमें अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट इंस्टॉल करने वाले हैं, जैसे कि देखिए फोन के साइज के हिसाब से आपको लेना है। तो मैं ये जो अपना ऑटो ग्रिप मॉडल है इसमें छोटा फोन लगेगा, लाइक आईफोन जो छोटे वाले आते हैं वो इसमें लगेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सल और डबल एक्सल यूज करेंगे। तो डबल एक्सल, तो ये जो मेरा फोन है डबल एक्सल में भी आ जाएगा और एक्सल में भी आ जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको डबल एक्सल। तो डबल एक्सल के लिए हम इस प्रोडक्ट को प्रॉपर निकालते हैं और लगा के आपको दिखाते हैं। इसको असेंबल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता, मींस अगर आप इसको यूं रखेंगे और इस तरीके से पुश करेंगे इनसाइड, और ये नॉर्मली आपका ये लीजिए ये असेंबल होके रेडी हो गया। अब अगर आपको डैशबोर्ड पे लगाना है तो आपको 3M ये वाला यूज़ करना है डैशबोर्ड पे ऐसे लगा के, ये भी मैं फिट करके दिखाऊंगा। एंड अगर आपको डायरेक्ट ग्लास पे लगाना है तो सिंपल है, सिर्फ आपको ये लेयर निकालनी है। यहाँ पे एक पॉलीथिन की लेयर आपको दिखेगी, ये देखिए ये लेयर निकालनी है। तो गाइस फाइनली इसको इस तरीके से आप यहाँ पे यूँ रखेंगे, ये देखिए सिंपली ये वैसे टच करते ही आपका ये प्रॉपर फिट हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ये लॉक कर देंगे तो आपका ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और बहुत पुश हो जाएगा, लाइफ टाइम सेटलमेंट इसका यहाँ पे हो गया। अब ये टूटेगा नहीं, इस पर आप कुछ भी लटका लो, कुछ भी रख लो। और फोन के लिए भी आपको एक इजी ऑप्शन मिल रहा है, इसको यहाँ पे आप देखेंगे ये ओपन करना है, ये देखिए। एंड यहाँ पे आपको इसको नीचे की तरफ, यहाँ पे पीछे एक लॉक भी दिया गया है, ये देखिए इसके नीचे एक लॉक है जिससे ये अप डाउन हो जाता है फोन के साइज के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए डाउन हो गया, एंड देन
ओपन तो ये है ही, अब यहाँ पे हमने रखा और इसको पुश करना, ये लीजिए अब ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है, लाइफ टाइम इसका जो प्लेसमेंट है वो हो चुका है। तो गाइस देखिए इसके वैक्यूम की क्वालिटी, आप देखिए पूरी गाड़ी हिलेगी लेकिन ये वैक्यूम यहाँ से नहीं हिलेगा। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट में वैक्यूम स्प्रिंग और इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है उसकी, तो ये बहुत सॉलिड क्वालिटी का। अभी साइड में आप देखेंगे एक नॉर्मल वैक्यूम, इस टाइप का जो वैक्यूम होता है ये देखिए ये आपका हाथ से निकल जाता है, ये देखिए यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ये वैक्यूम था, ये निकल गया। नॉर्मली जो आपके मोबाइल होल्डर आते हैं, मोबाइल स्टैंड आते हैं कार के लिए, उनका वैक्यूम इस तरीके का होता है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, मतलब इतना सॉलिड नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो वैक्यूम है, अगर इस वैक्यूम को आप खींचेंगे, इस पर लटक भी जाएंगे ना, तब भी ये नहीं निकलेगा। और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी 10 kg वेट के साथ हमने चेक किया, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप साइड में देख सकते हैं 10 kg वेट हमने इस पर, इसका जो स्प्रिंग है उस पर यूज़ किया, तो वैक्यूम बिल्कुल नहीं हिला। तो वैक्यूम की क्वालिटी नो डाउट बहुत अमेजिंग है और इसीलिए कंपनी आपको गारंटी दे रही है स्प्रिंग और वैक्यूम की। ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो प्रीमियम है, इसकी जो पकड़ है, जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी अब डैशबोर्ड पे भी मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूं, तो ये जो 3M टेप हमें दिया गया है उसको हम डैशबोर्ड पे भी लगाते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस 3M टेप को यहां से, ये देखिए यहां पे ये जो रैपर लगा हुआ है वो हटाना है, एंड देन ये आपके डैशबोर्ड पे लग जाएगा। ये यहाँ से सिंपली आपका रैपर हट गया, फिर आप इसको कहीं भी डैशबोर्ड पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे ही इसको स्टैब्लिश किया, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रॉपर ये बस रख गया, अब ये हो गया स्टैब्लिश। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे आपने ग्लास के ऊपर इसको रख के वो किया था, ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर आपको यहाँ पे रख के और पुश करना है, ओपन करना है तो इसको निकालो, ये फोन आपका निकल आया, रखना है तो इसको यहाँ पे रखा और ये आपका प्रॉपर फिट हो गया। यहाँ पे वैक्यूम की क्वालिटी की बात करें तो पूरा डैशबोर्ड हिल रहा है लेकिन बिल्कुल भी ये कहीं से बिल्कुल नहीं हिल रहा है, इसकी क्वालिटी अमेजिंग है। ये देखिए वैक्यूम, इसीलिए लाइफ टाइम गारंटी आपको ये कंपनी दे रही है। तो ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ पहली बार मोबाइल होल्डर हमारे चैनल पर टेस्टिंग और रिव्यू के लिए आया, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू कार म्यूजिक अप के यूट्यूब चैनल पे होती रहती है, तो आप कार म्यूजिक अप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इससे अच्छा मोबाइल होल्डर आई थिंक आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक अप, यहां मिलेगा सब।